हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। सामने अपने हैं द ऑल न्यू 2022 ऑल्टो। बिल्कुल भाई, दिन और रात का फर्क हो गया और यार ये आदत बदलनी पड़ेगी। ऑल्टो के साथ अब आदत हो चुकी है 800 नाम लेने की, लेकिन अब पुराने दिनों में वापस आना पड़ेगा यार। K10 नाम जुड़ चुका है जो पहले आता था। सही करा यार, ये सही करा बिल्कुल। मतलब कंपनियां, चाहे टाटा की बात कर लो तो वही पुराना नाम सफारी, भाई कुछ नाम की भी तो खा लें जो सेंटिमेंट जुड़े हैं उनके, उससे तो खा ले। महिंद्रा की बात करें तो भाई वही बोलेरो कर दिया न्यू, और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो एन कर दिया। तो भाई यहाँ पर भी जो K10 नाम होता था ना, वो पड़ा हुआ ट्रेडमार्क क्या कर रहा था एक कोने में, वो यूज़ कर लिया, और सही यूज़ करा मेरे हिसाब से। भाई लोगों के दिलों में बजती थी जो K10 होती थी। कुल 30,000 रुपये का फ़र्क होता था पुरानी वाली दूसरी वाली ऑल्टो से, 30-35,000 का, और उसी में मज़े आ जाते थे। यहाँ पर भी वही मज़ा मिलने वाला है। ये अपने सामने है बेस मॉडल। मतलब बेस मॉडल क्या कहें यार, बेस सबसे नीचे आएगा स्टैंडर्ड, वो कहीं ना कहीं लोग नहीं लेते। जो स्टार्टिंग है लेने वाली वो भाई LXi से होती है। तो ये अपने पास LXi है। चीज़ आप सामने से देखो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। हेडलैम्प देखोगे थोड़े थोड़े आपको लगेंगे यार ये तो सेंट्रो जैसा सा मामला हो गया, लेकिन अगर इससे किसी महंगी गाड़ी की तरह ये दिख रही है ना, तो भाई बुरा क्या है ये बताओ। अगर किसी चीप गाड़ी की तरह या बुरी सी लगे गाड़ी तो बात होती है, लेकिन कोई कम बजट की गाड़ी अपने से ऊपर बजट गाड़ी जैसी दिखे तो मज़ा ही मज़ा है यार उसमें तो। यहाँ देखते हैं, हेलोजन बल्ब है, यहाँ पर हो गया अपना इंडिकेटर, सारा कुछ सारा हेलोजन में ही है। ठीक, ज़्यादा कुछ तीम झाम नहीं है इसमें। नीचे आपको एक बड़ी सी ग्रिल, एयर डैम, कुछ भी कह दो, क्योंकि ऊपर जो छोटी ग्रिल होती है वो इसमें है नहीं। अब इसमें चीज़ें मिलेंगी क्या क्या, इकोनॉमिकल तो रहने वाली है भाई, पक्की बात है, क्योंकि अंदर से आपको दिखाऊंगा। फॉग लैम्प का इसमें कोई भी मतलब जुगाड़ पानी है ही नहीं। ठीक, तो भाई ये हो गया फ्रंट। चौड़ाई कम से कम मतलब पहले की तरह ही फील हो रही है। ठीक, अब देखने में थोड़ी सी आपको और नैरो लगेगी, क्या है रीज़न, ऊपर ऊंची हो चुकी है गाड़ी, है ना, हाइट बढ़ चुकी है, जो कि अच्छी चीज़ है, अंदर आपको स्पेस अच्छा मिल रहा है। लेकिन चौड़ाई अगर होगा तो भाई 10-20 mm के करीब ही ज़्यादा चौड़ी होगी, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। तो यह है साइड प्रोफाइल की कहानी। देखने में आपको ये VXi जैसी लगेगी, बाहर से देखने में कोई फ़र्क नहीं लगेगा सिवाय इन व्हील्स के, उसमें आपको मिलता है ब्लैक कलर के। ठीक है, ये रिम जो है साइज सेम है बिल्कुल, 145/80/13 इसमें भी है, VXi में भी है, लेकिन भाई इसमें आपको ये सिल्वर कलर के मिल रहे हैं, और इस पर ऊपर लगाने के लिए कंपनी साथ में जो व्हील कवर होता है वो नहीं दे रही, मतलब फ्री में नहीं दे रही, ऊपर से लेने पड़ेंगे। जबकि VXi उसमें आपको जो रिम है वो ब्लैक कलर के मिलेंगे। ठीक है, और साथ में व्हील कवर भी कंपनी दे रही है। तो ये कहानी है साइड प्रोफाइल में, देखने में अच्छी खासी लग रही है। वो वाला जो सस्ती गाड़ी वाला फील होता था ना, वो ख़त्म हो चुका है साइड प्रोफाइल से तो 110%। जो आपके डोर हैंडल हैं ये यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ब्लैक कलर में। मिरर भी आपके बाहर से एडजस्ट होंगे क्योंकि LXi है, VXi में जाओगे तो इंटरनली एडजस्टेबल है, वो भी ब्लैक कलर के। ठीक है, ये ब्लैक हो गया, डोर हैंडल ब्लैक हो गया, बाकी सारी चीज़ें बॉडी कलर्ड ही हैं जैसा आपको दिख रहा है। व्हील बेस कहीं ना कहीं उम्मीद है 20 mm के करीब बढ़ा है अंदर स्पेस बढ़ाने के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm ही लग रहा है पहले की तरह। बाकी अगर फ्यूल फिलर कैप देखे या टैंक कैपेसिटी देखे तो पेट्रोल में ही आनी है ये, और उम्मीद है कि भाई साहब ये लगभग 28 लीटर से लेकर 27-28 लीटर से लेकर 32 लीटर तक हो सकता है टैंक, भाई इससे ऊपर नहीं होगा। यह है रियर व्यू। पीछे से तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि भाई ये LXi है या VXi है। ठीक, सेम है सब कुछ, ऑल्टो की बैजिंग, K10 यहाँ पर जो पुरानी यादें गए, यहाँ पर टेल लैम्प असेंबली, गोल मटोल सी और जचरी है। ठीक है यार, कोई ज़्यादा इतना मत एक्सपेक्ट किया करो, बिल्कुल एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है, कंपनी के हाथ बहुत बंधे हुए रहते हैं इसमें कुछ काम धाम करने के लिए, पैसे भी तो कम रखने, नहीं तो एक से एक डिज़ाइन बना दे यार। रियर का डिज़ाइन अभी देखे नहीं है क्या, चाहे ग्रैंड विटारा देख लो चाहे ब्रेजा देख लो, बना सकते थे, लेकिन पैसा लगता है ना उसमें भी। यहाँ देखें, इंडिकेटर ये हो गया, स्टॉप लैंप ये हो गया, रिवर्स लैंप एक ही साइड मिलेगा, इधर नहीं है, बीच में सुजुकी का लोगो है, दो आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऊंची सी है थोड़ी सी, यहाँ से ऊपर का लुक आपको लगेगा जैसे ये ऐसा देखने में लगेगा एस्प्रेसो देख रहे हो, है ना, और बाकी सही है चीज़ें। ठीक है, ओके है गाड़ी, पहले से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको दिख रहा है, कोई डिफॉगर नहीं है, तो वाइपर छोड़ दो, कहो मत पूछो मत, लड़ाई हो जाएगी। तो भाई ये है साइड प्रोफाइल, बताई थी सब कुछ, अब आ जाते अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको इसकी चाबी कहाँ गई भाई, चाबी पॉकेट में गई क्या, हाँ चाबी, ये देखो यार, जो VXi है आपको उसमें की के थ्रू, मतलब ऐसे नहीं है रिमोट वाली, की के थ्रू सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, इसमें वो भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जो एक्चुएटर होता है, गन होती है, वो भी लगवानी पड़ेगी। ठीक है, अरे लॉक हो गई, बाकी की दोनों में एक जैसी सी मिलती हैं, सेम ऐसी की ऐसी। ठीक है, और यहाँ पर इसको रखते हैं, डोर ट्रिम ये है कुछ, कोई पावर विंडो इसमें नहीं है, ऐसे ही घुमाने वाले हाथ से, हाथ की कसरत होगी आगे भी पीछे भी। बॉटल होल्डर ज़रूर मिल गया है आगे की साइड दोनों,
ठीक है, दोनों दरवाजों में है, अच्छी चीज़ है, पहले नहीं आता था, और साथ में पीछे जो एक पहले भी आता था वो अब भी मिल रहा है। बाकी इस तरह से है, पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है, मिरर तो बताई दिया आपको, बाहर से ही एडजस्ट होंगे। एक बार सीट देख लें, सीट बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत बड़ा अपग्रेड हो गया। सिटिंग में ही होता था कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत नीचे बैठते थे, अंडर थाई सपोर्ट कम होता था, लंबे बंदों को बहुत पीछे करनी पड़ जाती थी, जिससे पीछे वाला घुटने अपनी छाती में लेकर बैठता था। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, सीट ऊंची उठ चुकी है, अब ज़रा इस पे बैठते हैं। ओहो हो, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, प्रमोशन हो गया भाई ऑल्टो का। इसको लगाते चाबी को यहाँ पर, और भाई सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको देखते लगेगा बे एस्प्रेसो कहाँ से आ गई बे, ये तो यहाँ होता था एस्प्रेसो में, यहाँ आ गया भाई। ये कलाकारी है मारुति की, मारुति जैसा दिमाग भाई, कॉस्ट कटिंग में, या फिर ये कहे चीज़ों को बजट में रखने के लिए बहुत तेज चलता है। एक बार इसको राटे वगैरह कम पे करें और एक बार स्टार्ट कर लेते हैं यार, बहुत बढ़िया, हल्का सा की 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 हुई और स्टार्ट हो गया। रीज़न क्या है, K10C इंजन अब आ रहा है इसमें, वही डुअल जेट वाला जो कि भाई फेमस है अपनी किसके रिफाइनमेंट के लिए, उसके साथ साथ जो अपना माइलेज है उसके लिए। अभी इंजन पे भी आऊँगा, फिलहाल यहाँ पर आते हैं। तो भाई ये कहानी है, बिल्कुल एस्प्रेसो वाला है, ऊपर डिजिटल फॉर्म में स्पीड मिल रही है, यहाँ पर ये हो गया फ्यूल गेज, ये हो गया अपना ट्रिप डिटेल, ये यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है, इससे दबाओगे और मेन ओडो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और फ़र्क क्या है, मतलब VXI में आपको इंस्टेंट माइलेज में मिल जाती है, इसमें केवल ट्रिप मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर इंस्टेंट माइलेज या इकोनॉमी वो सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो भाई ये आपको यहाँ खाली बिल्कुल सूना वीरान मिल रहा है, म्यूज़िक प्लेयर आप खुद लगवा लोगे, चाहे एजेंसी से चाहे बाहर से, ही हो गया 1000 का। और उससे नीचे आते हैं, ये AC की यूनिट है, वो सेम है दोनों में। हा हा, मज़ा आ गया, गर्मी बड़ी हो रही है भाई। उससे नीचे कोई 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है, VSI में आता है, यहाँ पर जगह है फ़ोन वोन रखने की, यहाँ पर ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर, बॉटल तो छोटी वाली आएंगी, बाकी 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, सेम है। और उससे नीचे यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी ये भी डे नाइट वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ये लैंप हो गई, यहाँ पर देखते हैं कुछ नहीं है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पर तो है, जगह है, और इसको भी खोल देते हैं ज़रा। तो भाई कुल मिला के हिसाब किताब ये है, यहाँ पर कोई बटन नहीं है, और भाई ये आपको दिया हुआ है रोटरी है जो अपना ऊपर नीचे करने के लिए हेडलैम्प के लेवल को, और उसके साथ एडजस्टमेंट क्या ही होगा यार इसमें, जब VXI में नहीं है तो इसमें क्या स्टेयरिंग एडजस्टमेंट होगा, फिक्स स्टेयरिंग है। दोनों आपको स्टॉक दिए हुए हैं, हेडलैम्प का ये हो गया, इधर हो गया अपना वाइपर का, और भाई आराम से क्लच, इतना लाइट है यार, इतना लाइट है, मतलब आप नॉर्मली, मतलब जोर नहीं लगाओगे आप अपने पैर का वजन ही ऐसा सीधा कर लोगे ना भाई, क्लच दब जाएगा, ये कहानी, इतना लाइट आपको दिया हुआ है। और बढ़िया चीज़ क्या है भाई, क्लच के साइड में डेड पैडल नहीं है, लेकिन भाई इस तरह से देखो, यहाँ पर सामने ला रहा हूँ, देखो कितनी जगह यार, आप पैर ऐसे सीधा कर सकते हो, हाँ फंसने फंसाने का थोड़ा सा रहता है, लेकिन अगर ये और पास होता तब दिक्कत होती, लेकिन भाई ओकेजनली हाईवे पर आप ये काम कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा भाई। सही है यार, सही है, स्पेस अच्छा खासा मिल गया, ये फ़ोन टींटी कर रहा है इधर। चलो भाई अब चलते हैं पीछे ज़रा, अपने हिसाब से अपना, मैं पीछे करके चलाता हूँ, लेकिन बहुत सही फील आ रहा है यार बैठ के। अब ज़रा पीछे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या कहानी है। ये आपको मिल रहा है कुछ पीछे का लुक कहें, स्पेस कहें, यार कुछ भी कह लो, फिलहाल डोर ट्रिम आप देख रहे हो, आपको सादे वाले जो घुमाने वाले हैं, क्योंकि पावर विंडो इसमें है नहीं, और स्पीकर ग्रिल ज़रूर मिल रही है, अच्छी चीज़ है, बेस मॉडल में भी आप स्पीकर चारों डोर में लगवा सकते हो। चलो ये हो गई कहानी, यहाँ स्पेस ठीक है, दो बंदों के बैठने के लिए, तीन बंदे चिपक चिपक के बैठ जाएंगे, लेकिन लेग रूम बढ़िया हो गया, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा हो गया, ये देखो स्पेस कितना बढ़िया है, जूते वूते डालने की जगह नीचे, हम्प ना के बराबर है, ये बॉटल रखने की जगह हो गई, और इस तरह से बिल्कुल फट्टा है, लेकिन ये फट्टा भी आपका फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। पीछे हेडरेस्ट वगैरह नहीं दिए हुए, बेस मॉडल है इसीलिए। और भाई इसमें आप ये देख रहे हो, कोई भी स्कूप नहीं है, और जो ये ऊपर लगा हुआ है ना इसका कवर टाइप का, ये देख रहे हो, ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इससे ऊपर VXI में जाओगे तो फैब्रिक आता है, इस पर तो कवर लगेगा ही लगेगा, देखने में मजा आसान यार, लेकिन भाई कॉस्ट कटिंग करनी थी, वही चीज़ है, फ़र्क आपको मिलेगा बेस मॉडल में, मतलब LXI में और VXI। अरे इसको खोलना, चलो बोनट भी साथ ही खोल दूँगा, इसको बोनट को यहाँ से खोलते हैं, इसको यहाँ से खोलते हैं, चलो। तो भाई ये है कहानी, क्या बात है क्या बात है, अच्छा पीछे यहाँ पर खाली माहौल दिया हुआ है VXI में, उसमें कवरिंग दी हुई है, एक्सपोज इसमें मैटर मिल जाता है, लेकिन स्पेस अच्छा खासा, स्पेस उतना ही है, ठीक है, डीप है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, स्पेस आपको ज़्यादा मिल रहा है। पार्सल ट्रे कुछ नहीं है, करीब 225 लीटर के अराउंड अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इतना होगा भाई, होगा इतना थोड़े बहुत अंदाजे आ गए अब अपन को रिव्यू करते करते। चलो बाकी पूरा का पूरा ये फोल्ड भी हो जाएगा, पट
ठीक है, इसको करते हैं बंद। यहाँ पर इस तरह से आधा अधूरा पार्सली आपको ट्रिम दिया हुआ है। अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे क्या आगे की तरफ, क्या ही कह रहा हूँ मैं, गर्मी भाई चढ़ रही है सिर को। हाँ, ये दिया हुआ है यहाँ पर K10C, मतलब फीचर में कटौती हो जाएगी भले ही आप बेस मॉडल ले रहे हो LXi या VXi प्लस ले रहे हो टॉप। इंजन आपको सेम परफॉर्मेंस देता हुआ मिलेगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है। K10C इंजन है, डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ है, 66-67 BHP के अराउंड आपको दे देगा। और वहीं टॉर्क की बात करें तो करीब करीब 89 NM का आपको टॉर्क देगा। ABS विद EBD यूनिट यहाँ पर दी हुई है, बाकी रिफाइनमेंट लेवल तो चुम्मा ही है बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर कुछ भी आपको जो अपना वो होता है ना इंसुलेशन, वो नहीं दिया हुआ। माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज तो अल्टीमेट, मतलब इस इंजन के साथ यार वैगनार में अगर मिल जा रही है आपको 24.5 की, इसमें क्यों नहीं मिलेगी, 24-25 की आराम से है इसमें भी। ठीक है, तो भाई इतना रखते हैं इस वीडियो को। चीज़ें आपने देख ली, क्या क्या चीज़ें कम हैं, एक सेपरेट देखूंगा बना दूंगा VXi से इसमें, लेकिन भाई फिलहाल तो इसमें हाईलाइट कर ही दिया आपको सारी चीज़ें। तो वीडियो को इतना रखते हैं, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।